बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मस्ट बी इन गुड हेल्थ। ओके, टिल एवरीवन मे जॉइन मी, आई वांट यू पीपल, इफ यू हैव एनी क्यूरीज और क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रीवियस सेशंस दैट वी हैव टेकन, आई एम फाइन जशान, थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरीज अबाउट द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, डू लेट मी नो। ओके, तब तक जब तक सब लोग हमें ज्वाइन कर लें एंड विल स्टार्ट द इश। ओह, वी हैव वॉइस इशू टुडे, आई एम सो सॉरी। एम आई ऑडिबल टू एवरीबॉडी? हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एम आई ऑडिबल कंप्लीटली, इंटायरली, एवरीथिंग इज क्लियर? ओके बेटा, सब अपना बेस्ट देते हैं। आई होप आपने भी अपना बेस्ट दिया होगा। डोंट वरी अबाउट इट, आई एम गोना चेक ऑल ऑफ योर असाइनमेंट्स बाय टुडे और टुमारो इंशाल्लाह। ओके जी, एनी क्वेश्चन क्यूरीज बेटे अबाउट द प्रीवियस थिंग्स दैट वी हैव डन सो फार? जल्दी से बता दें मुझे, इफ यू हैव एनी वी कैन डिस्कस देम और एल्स विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ओके फाइन, ओके आई विल, आई विल, इफ इट इज पोस्टेड ऑन डी एस सी देन आई विल डेफिनेटली मार्क देम एंड विल लेट यू नो अबाउट द रिव्यू। अच्छा जी, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्टन थिंग्स। हम अपना ब्लॉगिंग का जो यू नो एस सी ओ और ब्लॉगिंग दोनों रिलेटेड हैं, हमने बहुत सा कॉन्टेंट कवर कर लिया है अब तक, जो चीज़ रह गई है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज योर लेक्चर 8। अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव कवर्ड यू नो अ वेरी लार्ज पार्ट, अ वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ योर कॉन्टेंट राइटिंग कोर्स। सो हमने एसईओ देखा, हमने देखा वेबसाइट कॉन्टेंट देखा, राइट और हमने कंटेंट राइटिंग की बेसिक्स देख ली, राइट? ओके, वेबसाइट का कंटेंट हमने किस तरह से करना है, हमने अपनी सर्विसेज को, अपने ब्रांड को कैसे प्रमोट करना है, हमने किस तरह से हेडिंग्स देखनी है, किस तरह से कंपेटिटर की हेडिंग्स से ज्यादा अच्छी हेडिंग्स लिखनी है, और वेबसाइट के पेज पे किस तरह से अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना है, वी हैव लर्न दैट। उसके बाद हमने एसईओ की फंडामेंटल्स देखी, हमने देखा कि जो ऑन पेज एसईओ है, जो कि कंटेंट राइटर्स के लिए जरूरी होता है, उसका एक चेकलिस्ट है जो हमने वन बाय वन कवर किया था। हमने देखा कि हमारे पास एक अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन ब्रीफ होना चाहिए, यू नो आसान लफ्ज लिखे होने चाहिए, कीवर्ड्स को आपने बहुत स्मार्टली यूज करना है। कीवर्ड्स के लिए जो हमने देखा वो था गूगल प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर। अलोंग विद दैट हमने देखा उबर सजेस्ट, उबर सजेस्ट, और हमने देखा एसईएम रश को। ठीक है, अब आपके कीवर्ड्स जो हैं वो आपके कंटेंट में और हेडिंग में किस तरह से जाने हैं, हमने ये चीजें देखी। हमने देखा कि जो H1, H2 और H3 के टैग्स हैं उनको किस तरह से आपने ऑर्गेनाइज करना होता है। ठीक है, H1 आपकी मेन हेडिंग होती है, H2 आपकी सब हेडिंग होती है, और सब हेडिंग के अंदर जो हेडिंग्स होती हैं वो H3 होती है, जिनको हम सब सेक्शंस कहते हैं। देन आपके कंटेंट के अंदर इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए, इंटरनल या एक्सटर्नल लिंकिंग। अगर आपके पेजेस हैं वेब पेज पे तो इंटरनल, अदरवाइज आप एक्सटर्नल सोर्सेज के साथ अपने कंटेंट को लिंक करते हैं। ठीक, एक चीज और, जब भी आप किसी एक्सटर्नल पेज का लिंक देते हैं तो काइंडली उनको ईमेल कर दिया करें, एक फॉर्मल सा, फ्रेंडली सा ईमेल, दैट आई हैव रेड योर कंटेंट एंड आई हैव, फॉर एग्जांपल, मैंने ब्रिटानिया को का एक पेज है, ठीक है, मैंने वहां से कुछ कंटेंट कॉपी किया या कुछ कंटेंट का लिंक दिया और मैंने उसको एक्सटर्नली लिंक कर दिया अपने पेज पर, तो मैं ब्रिटानिया को एक मैसेज लिखूंगी उनके ऑफिशियल अकाउंट पे
आई एम द कंटेंट एडिटर, और यू कैन राइट कंटेंट राइटर एट www.... जो आपकी वेबसाइट का नाम है, ठीक है. एंड आई लव योर कंटेंट, आई लव योर कंटेंट एंड हैव फाउंड इट वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल. सो आई हैव लिंक्ड इट ऑन माई पेज टू फॉलो एंड चेक आउट माई कॉन्टेंट एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक इट, हाउ यू फाउंड इट, हाउ यू फाउंड इट. ठीक है. क्या ऐसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, बट द पीपल हु एक्चुअली फॉलो अप ना, टेक फॉलो अप ऑन दिस थिंग, वो क्या होते हैं कि वो बिल्कुल वो क्या होते हैं कि वो बेसिकली अपने पेज पर फिर आपको भी एक शार्ट आउट दे देते होते हैं, ठीक है, शार्ट आउट दे देते होते हैं. एंड इस तरह से जो आपकी ट्रैफिक, इट्स नॉट समथिंग दैट इज कंफर्म, लेकिन इट इज समथिंग दैट वर्क्स. 50% चांसेस हैं कि इसके वर्क ये वर्क कर जाता है. सो जो ट्रैफिक और व्यूवर्स होते हैं वो फिर आपके पेज को उसके पेज के साथ साथ आपके पेज को भी व्यू करना स्टार्ट कर देते होते हैं, ठीक है. सो डू डू नॉट फॉरगेट टू यू नो गिव अपलोड टू द पीपल हु आर हेल्पिंग यू आउट इन एनी वे. सो यू कैन राइट अ गुड ईमेल टू देम, अ नाइस वन, अ फॉर्मल वन, एंड यू कैन लेट देम नो हाउ मच देयर कॉन्टेंट इज हेल्पिंग यू आउट, राइट. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट एक्सटर्नल इंटरनल लिंकिंग एज वेल. हमने विक्स के ऊपर देखा कि किस तरह से हम लोग फ्री में अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज टू टॉक अबाउट हाउ टू यू नो सेट अप अ वर्डप्रेस का साइट. अब वर्डप्रेस पे जो भी आपका कंटेंट लिखा जाता है वो आपका वो कंटेंट होता है जो कि यू नो दैट रैंक्स ऑन गूगल एंड जिस पर एड्स लग सकते हैं, ठीक है. सो इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट ब्लॉगिंग तो आप क्या करते होते हैं, ब्लॉगिंग के लिए आप वर्डप्रेस पे साइट बनाते हैं. वर्डप्रेस पे साइट बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको डोमेन परचेज करनी पड़ती है. नाउ दिस इज समथिंग फॉर द पीपल हु वांट टू स्टार्ट देयर करियर एज अ ब्लॉगर. सो ऐसे लोग जो करना चाहते हैं, अपनी ब्लॉगिंग का करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और दे वॉन्ट टू परचेज अ वेबसाइट, वो जाते हैं गोडैडी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे या ब्लू होस्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर, और वो वहां पर जाकर अपने लिए एक वेबसाइट परचेज कर लेते होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ब्लू होस्ट के पास चले जाते हैं. bluehost.com, राइट. सो हम ब्लू होस्ट पे जाएंगे, सिमिलर सिंपली यू टाइप www.bluehost.com और आप इस पेज पे लैंड हो जाएंगे. अब आपका डोमेन होता है आपका नेम ऑफ द वेबसाइट, और आपकी होस्टिंग होती है लाइक द सर्विसेज जिसकी वजह से आप व्यूड होंगे. ओके, एम आई कंप्लीटली ऑडिबल टू एवरीवन? कैन यू प्लीज लेट मी नो वंस अगेन. ओके पीपल, यूज योर चैट बॉक्सेस एंड लेट मी नो इफ आई एम कंप्लीटली ऑडिबल टू यू. एम आई ऑडिबल नाउ? आप मुझे सुन सकते हैं क्लियरली? डू लेट मी नो. थोड़ा सा फंबल था, ठीक है. अब ठीक है, इट्स फाइन नाउ. ग्रेट, वेल डन. ओके जी. सो हम www.godaddy.com, या हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं bluehost.com पे जा सकते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको प्लान्स ऑफर करती हैं, राइट. मैं आपको होस्टिंग ब्लू होस्ट इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको डोमेन और होस्टिंग साथ में ही मिल जाती है. अलोंग विद इट इस 70% ऑफ चल रहा है एंड ऑल दैट, तो ये थोड़ी सस्ती पड़ जाती है आपको.
इसके अलावा आप अपनी विक्स की साइट को भी प्रीमियम कर सकते हैं, अगर आप उसे परचेज कर लेते हैं तो आप एड्स लगा सकते हैं। गूगल का जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ये है कि वो आपकी वेबसाइट पर तब तक एड नहीं लगाता जब तक आपका डोमेन अथोराइज नहीं है, आपका डोमेन रजिस्टर्ड नहीं है, जब तक तब तक वो आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स नहीं लगाता होता। सो ऐसा करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट को परचेज करना पड़ता है और उसे रजिस्टर करना पड़ता है। सो अगर आपने विक्स पर अपना ब्लॉग सेटअप कर लिया और आपको लगता है कि तकरीबन 20 और 30 ब्लॉग्स आप अपनी नीच पर बहुत अच्छे लिख चुके हैं और उस पर ट्रैफिक और ऑडियंस आ रहा है, तो आप उसको उस पर एड्स लगाना चाहते हैं तो आप उसका प्रीमियम वर्जन बाय कर लें, नंबर 1। नहीं तो अगर आप अपना वर्डप्रेस पे अपना ब्लॉगिंग साइट ओपन करना चाहते हो तो आप होस्टिंग परचेज कर सकते हो किसी भी वेबसाइट की, ठीक है। अब ये ब्लू होस्ट भी हो सकता है, ये गोडैडी भी हो सकता है, आपका प्रोसीजर सेम है। सो हम बस उस प्रोसीजर को आज देखेंगे। यस, सो एक इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा जब भी आपने लॉग इन किया है। हम गेट स्टार्टेड पे जाएंगे और हमारे सामने कुछ उनके फॉर्मेलिटीज होंगी जिसे हमने फिल इन करना होगा। ओके, अगर आपकी एक ब्लॉग और साइट है तो आपका यानी 4 या 5 डॉलर, तकरीबन में $5 आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपको होस्टिंग मिल जाएगी। होस्टिंग 10 GB की होगी और उसमें बहुत सारी और चीजें भी आपको मिल रही हैं, कस्टम WP थीम्स हैं, SSL फ्री मिलेगी 1 साल के लिए, तो यानी फ्री डोमेन, आपको डोमेन के पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। 1 साल तक आपने सिर्फ हर महीने $5 पे करना है, जो कि इतने ज्यादा अमाउंट नहीं है। अगर आपकी कोई टीम है तो आप उसके लिए प्रीमियम या प्लस योर चॉइस प्लस पे भी जा सकते हैं। ओके, तो लेट्स सपोज हमने बेसिक करना है अपने एक ब्लॉग या साइट के लिए, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। आपकी कोर्स आउटलाइन में मैंने एफिलिएट मार्केटिंग अभी तक ऐड नहीं की थी, आई एम गोइंग टू ऐड इट नाउ। तो मैं नेक्स्ट क्लास में एफिलिएट मार्केटिंग को टच करूंगी बिफोर अपवर्क ट्रेनिंग एंड एकेडमिक राइटिंग, ठीक है। तो जब हमारी वेबसाइट बन जाती है तो हम अपने आप को एज एन एफिलिएट मार्केटर, एज एन एफिलिएट राइटर भी रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, क्रिएट न्यू डोमेन में फॉर एग्जाम्पल आपका नाम, आप अपने नाम से वेबसाइट बनाना चाहते हैं। लेट्स सपोज मेरा नाम शाइश है, ठीक है, तो मैं शाइश टेक के नाम से एक डोमेन परचेज करना चाहती हूँ। मुझे अवेलेबल डोमेन्स के ऑप्शन आ जाएंगे। द डोमेन shaish.com इज अवेलेबल, वाओ, आई एम लकी। अगर क्योंकि मैं लकी हूँ, इस वक्त मुझे मिल रही है shaishtech.com के नाम से एक डोमेन, तो मैं परचेज कर लूंगी। अदरवाइज आपको यहाँ पे ऑप्शंस आ जाती हैं अवेलेबिलिटी की, अगर आपके नाम की नहीं है तो उसमें मतलब 2-3 चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मुझे मेरी डोमेन मिल गई है तो मैंने सिर्फ अकाउंट इन्फॉर्मेशन देनी है और रजिस्टर कर देना। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में मेरा फर्स्ट नेम आएगा, मेरा लास्ट नेम, अगर मेरा कोई बिजनेस नेम है बिकॉज इट्स ऑप्शनल, आप अपना कंट्री, अपना एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, ईमेल एड्रेस, सब कुछ इसमें फिल इन करके आप अपना पैकेज सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको अपनी सर्विसेज की चीजें मिल रही हैं। अलीजा, आई रिपीट द वर्डप्रेस अगेन, आप यहाँ पे अगर 12 मंथ की लेते हैं तो आपको $2 पर मंथ पड़ रहा है, 36 मंथ लेते हैं तो $4 पर मंथ पड़ रहा है। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एक ही दफा 2 साल की कर लें, $4 या $5 इज नॉट दैट मच अमाउंट, इनकी प्राइजेस अप होती रहती हैं और डॉलर का रेट आपको पता है, तो स्मार्टली डिसीजन लीजिएगा। 12 मंथ ही लेना चाहते हैं तो 12 मंथ ले लीजिए, 2 साल 36 मंथ लेना चाहते हैं तो आप ये ले लीजिए। बट आई वुड सजेस्ट इज टू गो फॉर 2, क्योंकि होस्टिंग प्लान के साथ ये आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। ओके, देर आर पैकेज एक्स्ट्राज जिसमें आपको आपकी बाकी डिटेल्स दी हुई हैं। अगर आप इनमें से किसी को अनचेक करना चाहते हैं, जैसे आपको डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए और उसका बिल आप नहीं पे करना चाहते, आप इसको अनचेक कर दें। सिक्योरिटी असेंशियल्स को आप अनचेक कर दीजिए, साइट बैकअप को अनचेक कर दें, इट्स अप टू यू, योस्ट प्रीमियम, अगर आप वहां पे खुद ही आप कर सकते हैं ना, सो यू डोंट हैव टू पे फॉर अदर थिंग्स। एनीवेज, पेमेंट इन्फॉर्मेशन के बाद अपना क्रेडिट कार्ड नंबर और CVC कोड डालकर आप यहाँ सबमिट करेंगे। आपको एक ईमेल रिसीव होगा, आपकी उस पर ईमेल आईडी पर आपको एक कोड रिसीव होगा जिसके बाद आपकी डोमेन रजिस्टर्ड हो जाएगी, उसमें आपका पासवर्ड और आपकी सब डिटेल्स होंगे। सो उसके थ्रू आप अपने पोस्ट अपनी डोमेन पे क्या कर सकते हैं, डोमेन पे रजिस्टर कर सकते हैं।
वंस आप अपने डोमेन पर रजिस्टर कर जाते हो और आप उसको ओपन करते हो तो उसमें बहुत सारी आपको ऑप्शंस आती हैं। वहां पे जाके आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और योस्ट एसईओ प्रीमियम इंस्टॉल करना है। आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन। वर्डप्रेस का थीम अलोंग विद योस्ट आप क्या करोगे, इंस्टॉल कर लोगे। इट्स क्वाइट फ्री, ये आपको फ्री मिलेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी डोमेन को परचेज किया हुआ है। ठीक है, जब आप उसे कर लेते हो तो इस तरह से वर्डप्रेस आपके पास ओपन हो जाएगा। सी दिस इज वर्डप्रेस, और यहाँ पे आप अपनी पोस्ट को ऐड कर सकते हो, पोस्ट लिख सकते हो। ओके, अब हम क्या करेंगे कि हम कोई भी प्रीवियस पोस्ट को लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पोस्ट हियर, रीजंस व्हाई कैनबिस कंज्यूमर्स बाय फ्रॉम इलीगल मार्केट, जस्ट यू नो टेकिंग इट्स एग्जाम्पल। एड टाइटल, पेस्ट, आ गया। ओके, नाउ व्हाट आई वुड डू कि मैं यहाँ से अपना टाइपिंग स्टार्ट कर दूंगी। जो भी मेरा कंटेंट है, सबसे पहले कंटेंट आपने लिखना ही कहाँ पे है, कहाँ लिखना है आपने, वर्डप्रेस पे लिखना है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखना है। ये मेरी हेडिंग्स हैं, H2, H2, ठीक है, और ये सब चीजें ऑलरेडी सेटअप हो चुकी हैं। दिस इज H3, आप देख सकते हो, ये सब चीजें ऑलरेडी H3 में आ रही हैं। ऐसे ही है, तो अपनी फॉर्मेटिंग एक दफा चेक कर लें और उसके बाद अपने कंटेंट को कॉपी करें, रेफरेंसेस को छोड़कर। ओके, हमने यहाँ इसको कॉपी किया और हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, राइट, अब मेरा कंटेंट यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पे कहीं कोई पिक्चर ऐड करनी है, लेट्स सपोज, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं जो हमारे पास विक्स पे थे, सेम उसी तरह से आप उन ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं। और सी यहाँ पर आप लिंकिंग अगर करना चाहते हैं तो आपके पास लिंकिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। जो चीज आपने विक्स पे सीखी है वही चीज वर्डप्रेस पे अप्लाई होती है, सो बिल्कुल नहीं घबराना आपने। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल ऑफ दोज थिंग्स क्योंकि इट विल टेक टाइम। ठीक है, ये मजीद ऑप्शन हैं, आप यहाँ पे इन ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हैं, यू वॉन्ट बी नीडिंग दैम। इंटरनल लिंकिंग का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, आप इसे यूज कर सकते हैं, एंड एड इमेज का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ना, हेडिंग चेक करने के लिए हम हेडिंग्स पर आते हैं, एंड अलाइनमेंट का ऑप्शन भी है, H2 है, ये दे रहा है ऑलरेडी, आप यहाँ से भी अपनी फॉर्मेटिंग को देख सकते हो। ठीक, ओके, अगर आपने पिक्चर्स ऐड करनी है तो आप यहाँ पे इन ऑप्शंस में जाएंगे और इंसर्ट बिफोर या इंसर्ट आफ्टर, जिस भी सेंटेंस के बाद आपने करना है, अगर इंसर्ट आफ्टर करना है तो आप इंसर्ट आफ्टर, इंसर्ट बिफोर करना है तो इंसर्ट बिफोर करेंगे, और यहाँ पे आपको एक स्पेस मिल जाएगी और एक प्लस का ऑप्शन आ जाएगा। इस प्लस के ऑप्शन में आपको गैलरी में जाने की और इमेजेस यूज करने की एक एक अवेलेबिलिटी यहाँ पे है। ऑल यू हैव टू डू इज टू यूज इट स्मार्टली। अगर आपने इमेज ऐड करना है तो इमेज ऐड कर लीजिए, लिंक ऐड करना है तो वहां पे लिंक का ऑप्शन भी अवेलेबल है, सो आप अपना इमेज यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, वंस यू आर डन विद इट, आपने प्रूफ रीड करना है। कोई अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक्स वगैरह है तो उनको ठीक कर लीजिए, 3 दफा प्रूफ रीड कीजिए क्योंकि आपका ब्लॉग पब्लिश होगा और पब्लिश होने के बाद उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, खसूसन आपकी हेडिंग्स में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, देयर आर सम ऑप्शंस जिनको हम देखते हैं। वैसे वर्डप्रेस ये सब चीजें खुद ही हैंडल कर लेता होता है, यू डोंट हैव टू गो इनटू इट, लेकिन अगर आपकी कोई स्पेसिंग का आपके पास डबल स्पेसिंग है, 10 टाइम स्पेसिंग है, 3 टाइम स्पेसिंग है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती। बैकग्राउंड सेट करना है, कलर सेट करना है तो उसका भी वर्डप्रेस आपको ऑप्शन अवेलेबल दे देता होता है। ठीक हो गया, चलो वॉट एल्स, आपका पोस्ट प्रीव्यू, आपका पोस्ट जब पब्लिश हो जाएगा तो वो किस तरह से लगेगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं प्रीव्यू से। डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट कहाँ पे, तो हम डेस्कटॉप कर लेते हैं। लेट्स सी कि हमारा पोस्ट पब्लिश होकर कैसा लगेगा। इट वुड लुक लाइक दैट,
ठीक है, टैबलेट्स में और ऑलरेडी हमारा ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज डन। ना 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 ना, ठीक हो गया बिल्कुल। अगर आप एड्स लगाना चाहते हैं तो आपको अपना जो भी आपका कंटेंट है उसको उसको रजिस्टर करना पड़ता है, अपनी साइट को रजिस्टर करना पड़ता है अगर आप उसके थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब तक आपका ब्लॉग सेटअप नहीं हुआ हुआ ना, जब तक आपका ब्लॉग में तकरीबन 20 से 25 आर्टिकल्स नहीं पब्लिश हुए हुए और आपने उनको शेयर करके ट्रैफिक नहीं गेन की हुई, तब तक उस पर एड्स मत लगाइएगा, ठीक है। एड्स लगाना लास्ट काम होता है। सो परचेज तब कीजिएगा जब आपका ब्लॉग कंप्लीटली रेडी होगा, ठीक हो गया। इस लेक्चर में हमने डोमेन परचेज किया, WP को देखा, और हम देखेंगे थोड़ा सा हम टच करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग को और हम उसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलें जी, अगर वर्डप्रेस से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम वर्डप्रेस को थोड़ा सा उसको सॉरी एफिलिएट मार्केटिंग को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ब्लॉगिंग एसेंशियल्स भी आप लोग चाह रहे थे कि मैं एक दफा रिपीट कर लूं। ब्लॉगिंग एसेंशियल्स में सबसे पहले आपकी नीश डिफाइन होती है। सो अगर आपने अपनी नीश को डिफाइन कर लिया है, वेल एंड गुड। उसके बाद हमारी चीज जो आती है वो है कीवर्ड्स की, जिसे हम ऑलरेडी SEO में डिस्कस कर चुके हैं, नीश से रिलेटेड कीवर्ड्स। ओके, नीश से रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं हम उनको देखते हैं। उसके बाद हमारी बारी आती है कॉन्टेंट आइडियाज की जनरेशन की। उसके लिए हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं ऊबर सजेस्ट, कंटेंट आइडियाज जनरेशन। ओके, वर्डप्रेस परचेज करनी होती है आपने जब आप अपने ब्लॉग को इंटरनेट के ऊपर पब्लिश कर रहे होते हो, रजिस्टर कर रहे होते हो, ठीक है। तो आप इंटरनेट पे दिखना स्टार्ट हो जाते होते हो जब आप अपना ब्लॉग परचेज कर लेते हो, उसके लिए डोमेन परचेज कर लेते हो। डोमेन इज योर नेम बेसिकली। तो जो भी आपका ब्लॉग का नाम है, फॉर एग्जाम्पल आपका अपना नाम है shaish.com, या ये किसी कंपनी के ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल google.com, फॉर एग्जाम्पल android.com, फॉर एग्जाम्पल wikipedia.com, ये आपका डोमेन नेम होता है। जो होस्टिंग होती है वो आपकी सर्विसेज को इंटरनेट पे दिखाती है और उसके पैसे आप लोग पे करते होते हैं। 12 मंथ की होस्टिंग परचेज करते हैं, 2 साल की होस्टिंग परचेज करते हैं। सो आपका नेम इंटरनेट पे जिस तरह से दिखता है उसके लिए आप लोग परचेज करते हैं, एक डोमेन नेम परचेज करते हैं। अगर आपने इंटरनेट पे अपने ब्लॉग को दिखाना है तो आप डोमेन नेम परचेज करोगे। जब तक आप डोमेन नेम परचेज नहीं करोगे, गूगल आपको एड्स रन नहीं करने देगा और आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। सो अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, आपका ब्लॉग 25 ब्लॉग्स हैं, आपने आर्टिकल बहुत सारे लिखे हैं, देर आर पीपल हु आर कमिंग एंड गिविंग कॉमेंट्स ऑन योर वेबसाइट, के कॉन्टेंट के ऊपर आप वेबसाइट पे आपको कॉमेंट्स दे रहे हैं, और आपका आपको लगता है कि आपका ब्लॉग जो है वो काफी स्ट्रांग है इस वक्त, और अगर आप इसको रजिस्टर कर दोगे इंटरनेट पे तो गूगल उसको एड देना शुरू कर देगा और उस पर इन्वेस्ट करोगे थोड़ा सा, तो यू आर गुड टू गो, यू कैन डू दैट। सही। सो इफ यू रियली वॉन्ट टू डू दैट, एम आई कंप्लीटली ऑडिबल डियर स्टूडेंट्स और नॉट? एम आई ओके? ओके, सो हमारा जो टाइम है वो शॉर्ट है, देयर फोर आई वॉन्ट यू पीपल टू यू नो लेट मी नो इफ द थिंग्स आर क्लियर और नॉट। विल स्टार्ट इट ऑल, हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग को फ्रेशली स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नहीं नहीं बेटा, आप एक ही दफा करोगे, एक ही दफा ब्लू होस्ट पे, गो डैडी पे, या जिस भी वेबसाइट पर आप अपना डोमेन नेम परचेज कर लेते हो तो आपको कुछ भी और परचेज करने की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस उसके अंदर इंस्टॉल होती है, नहीं होती तो आप नीचे वहां पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आप खुद फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। एक दफा सिर्फ आपने डोमेन नेम परचेज करना है, साथ में होस्टिंग देखनी है, एंड देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। ओके, कंटेंट आइडियाज की जनरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऊबर सजेस्ट के पास जा सकते हैं।
वेयर इज उबर सजेस्ट? लेट्स सी वेयर इट इज. www.ubersuggest.com. आपको बहुत ही यू नो देर आर सो मेनी थिंग्स जहां पे आपको हेल्प आउट कर सकते. सो उबर सजेस्ट पर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेरेंटिंग पर लिख रहे हैं तो आप अपना कीवर्ड ऐड करोगे पेरेंटिंग. ओके, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, जनरेट मोर लीव्स, ब्रांड अवेयरनेस, जो भी आपका ऑप्शन है. ओके, मार्केटिंग बजट अंडर दैट. ओके, 7 week एक्शन प्लान, दिस इज समथिंग एल्स एक्चुअली. राइट, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना डोमेन कीवर्ड ऐड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे पेरेंटिंग है, तो हमने पेरेंटिंग को सर्च बार में ऐड कर दिया और यहाँ से हम अपना कंट्री और ऑडियंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं. उबर सजेस्ट आपको हेल्प आउट करता है ब्लॉग के लिए कंटेंट आइडियाज दे यू नो कंटेंट आइडियाज जनरेट करने में हेल्प आउट करता है. दिस इज जस्ट अ टिप. सो अगर इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, आपने 10 आर्टिकल लिखे हैं और आप 11वें या 12वें आर्टिकल की सर्च में हैं, तो आप यहाँ से जाकर अपने कीवर्ड आइडियाज देख सकते हैं, मजीद कीवर्ड आइडियाज, कंटेंट आइडियाज देख सकते हैं. सो आप इस डेक पे विच इज देयर उबर सजेस्ट बाय एनपी डिजिटल डेक, यहाँ से आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं कंटेंट के लिए जो आपको हेल्पफुल होती हैं. And they give very nice SEO tips as well, by the way. Yes, you do. Okay. As we are using a free version, तो हमारा 2 out of 3 daily searches होगा. इसके बाद आप अगर इनके account पर register कर लेते हो तो आपको कुछ free searches मिलती हैं. 7 दिन के बाद आप purchase करना पड़ता है. So आप इसको पहले explore कर लो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे purchase करो. वैसे कर लो, इट्स नॉट दैट यू नो एक्सपेंसिव एंड इट रियली हेल्प्स यू पीपल. ये आपको बैकलिंक्स भी प्रोवाइड कर देते हैं. तो ये एक ही टूल है उबर सजेस्ट का जो कि आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर सकता है. एंड इट्स टेकिंग सो लॉन्ग राइट नाउ, आई डोंट नो व्हाई. ओके, लेट्स ट्राई अनदर कीवर्ड. That's way too long. Okay, हमारा क्लास का टाइम खत्म होने वाला है. लेट्स सपोज अगर क्लास एंड हो जाती है तो आपने इसी स्ट्रैटेजी को यूज करना है. आपने अपना कीवर्ड या रूट जो भी आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, इनकी डेक पे जाएंगे और कंटेंट आइडियाज पे क्लिक करेंगे. कीवर्ड आइडियाज हमने ऑलरेडी देख लिए थे, हम कंटेंट आइडियाज की बात करें. कंटेंट आइडियाज आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करता है जिसको आप कॉपी पेस्ट करते हो एक्सेल शीट पर और वहां से आप उसी टॉपिक के ऊपर कंटेंट जनरेट करते जाते हो. ठीक है, सो अगर जब आपका 20 से 25 कंटेंट जनरेट हो जाता है आपकी वेबसाइट के ऊपर और आपका ब्लॉग रेडी हो जाता है तो आप अपना डोमेन परचेज कर सकते हैं. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन फॉर द पीपल हु थिंक इट्स लिटिल बिट कंफ्यूज. ओके, यस दिस वन. ओके, सो हमने क्या किया, हमने देखा कि हम ये सब काम कर चुके हैं, हम कीवर्ड्स पे काम कर चुके हैं, हम हेडिंग्स पे काम कर चुके हैं, हम इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग पे काम कर चुके हैं. अब क्या होता है कि हमने जब ब्लॉगिंग करनी होती है तो हम अर्निंग के हवाले से, जब आपने अर्न करना है अपने ब्लॉग से, अर्न करने के लिए आपको ब्लॉग पे एड्स रन करनी पड़ती हैं. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स रन करनी पड़ती हैं. ये एडवर्टाइजमेंट तब रन होती है जब आपको गूगल परमिशन देता है. गूगल क्या देता है, गूगल परमिशन देता है. और गूगल कब परमिशन देता है, गूगल तब परमिशन देता है आपको जब आपका डोमेन नेम रजिस्टर्ड होता है. जब आपका इंटरनेट पर नेम रजिस्टर्ड हो जाता है. और ये कब रजिस्टर होता है, जब आप परचेज करते हो एक डोमेन नेम. ठीक है, कोई भी डोमेन नेम हो सकता है, www.shaish.com. ठीक है, आप उसको परचेज करते हो $4 से $5 में. हर महीने आपको $4 से $5 पे करने पड़ते हैं
और उसके साथ ही आपको होस्टिंग मिल जाती है। होस्टिंग सिर्फ आपके नाम को इंटरनेट के ऊपर दिखाती है, उसका यही काम होता है, वो एक सर्विस होती है, ठीक है। यूजली आपको होस्टिंग और डोमेन दोनों के लिए पे करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि इंटरनेट पे इतना काम हो रहा है, दैट्स वाई आपको बहुत सारे प्लान्स मिल जाते हैं जहाँ पे होस्टिंग फ्री मिल रही होती है। हमने अभी देखा कि ब्लू होस्ट पे 70% ऑफ चल रहा है, तो आपको होस्टिंग आपके डोमेन नेम की ही प्राइस में फ्री मिल रही है, ऐसा ही है ना। सो आपने $4 पर मंथ पे करना है और आपका नाम इंटरनेट पे रजिस्टर्ड हो गया। अब अगर आपका ब्लॉग जो कि लेट सपोज टेक्नोलॉजी नीश के ऊपर, जिसमें टेक्नोलॉजी कैटेगरी है, और आपने उसके ऊपर 20 से 25 आर्टिकल लिख लिए हैं, और आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उसे शेयर किया है, एंड पीपल आर शेयरिंग एंड कमेंटिंग ऑन इट, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी बहुत सारे आपका जो ब्लॉग है उस पर बहुत अच्छी व्यूअरशिप आ रही है, तो दिस इज द हाई टाइम जब आप अपना डोमेन नेम परचेज करके उस ब्लॉग को इंटरनेट पे पब्लिश कर दो, ठीक है। कुछ अरसे के बाद गूगल उस पर एड्स लगाना शुरू कर देगा और उस एड से आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज वॉट वी हैव डिस्कस्ड टूडे। अगर समहाउ आपको लगता है, क्योंकि आपका एक अच्छा ब्लॉग वो होता है जो कि अपडेटेड होता है, और आपको लगता है दैट यू हैव रन आउट ऑफ आइडियाज, तो हमने कंटेंट आइडियाज को ऊबर सजेस्ट की हेल्प से हमने एक लिस्ट बना लेनी है लेटेस्ट टॉपिक की, और हमने उसके ऊपर डेली डेली कंटेंट लिखते जाना है, हफ्ते में 2 दफा, हफ्ते में 3 दफा, तो आपका ब्लॉग अपडेटेड रहेगा, रेगुलर रहेगा, और इस तरह से आपका ब्लॉग लिस्टिंग में भी आ जाएगा, एसईओ हुई भी होगी, एड्स डके हुए होंगे, एंड यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट योर ब्लॉगिंग करियर। ऑल राइट पीपल, सो दिस इज डन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर, डू लेट मी नो, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, एंड यस प्लीज गो अहेड। Do let me know if you have any question. हाँ जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, आप प्लान्स देख लें, देर आर 3 to 4 प्लान्स जिसमें आप अपनी कंपनी के लिए होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। यस, ब्लू होस्ट पे $4 की मिल रही है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। जी बिल्कुल लगता है, ई कॉमर्स वेबसाइट तो एड्स के ऊपर ही रन करती है समरीन। देखिए 3 तरह के होस्टिंग प्लान होता है, एक पर्सनल, एक स्मॉल कंपनीज के लिए, और एक लार्ज कंपनीज के लिए जिसमें 10 मोर देन 10 पीपल होते हैं, एक जिसमें एक या एक से ज्यादा, एक या दो, दो या पांच, 7 लोग, एक मोर देन 10 पीपल, यानी जो लार्ज कंपनीज होती हैं उनकी जाहिर है होस्टिंग थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो आप बेसिक प्लस या प्लस यू नो प्रीमियम, इन तीनों में से अपनी जरूरत के मुताबिक होस्टिंग परचेज कर लेते हैं और उस पर ओके। बेटा मैं एक साइट शेयर कर रही हूँ आपके साथ समरीन, उसको प्लीज एक दफा विजिट कर लीजिए। ओके वहां पर आपको चीप होस्टिंग मिल सकती है आराम से, साथ एज वेल उसको देख लीजिए, वहां पे आपको चीप होस्टिंग मिल रही है, बहुत चीप है, यू नो इट इज अफोर्डेबल, आई वोंट से चीप, इट इज रीजनेबल एंड अफोर्डेबल, तो आप उसको देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच पीपल, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज क्लास एंड ऑल द कंफ्यूजन आर क्लियर्ड, अदरवाइज आई विल बी यू नो गिविंग यू द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर, आप उसको भी देख सकते हैं। असाइनमेंट इज सेम, आप लोगों ने अपना 2 फरवरी तक मुझे अपनी नीच पर गिवन आर्टिकल देना है और उसमें इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग ऐड करनी है, एटलीस्ट 2, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, यस यू हैव टू।
यू हैव टू स्टैब्लिश योर ब्लॉग फर्स्ट. दो चीजें, पहले अपने ब्लॉग को स्टैब्लिश करें, उसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट पब्लिश करें, उस पर बहुत सारे लोगों को लेकर आए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसको शेयर करें, लोग उसको पसंद करें, उस पर कॉमेंट करें. और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हाँ अब ये वो चीज है जिसे मैं इंटरनेट पे लगा सकती हूँ, इंटरनेट उस इंटरनेट पे उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं, उस पर एड्स लग सकती हैं, तब होस्टिंग परचेज कीजिए. ठीक है, पहले यू हैव टू राइट आर्टिकल, ऑप्टिमाइज्ड गुड नाइस आर्टिकल्स. यस, आफ्टर 1 ईयर इट विल गेट एक्सपायर्ड, 1 साल के बाद आपको इसे दोबारा परचेज करना पड़ता है. ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच पीपल, हैव अ गुड टाइम अहेड, अल्लाह हाफिज, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज क्लास, हैव यू बाय द वे. ओके, आई एम ग्लैड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड नाइट अहेड, कीप लर्निंग एंड शेयरिंग, अल्लाह हाफिज.